idiomatic is not the idiomatic. हाँ idiomatic start करते हैं, बहुत important. idiomatic start कर रहे हैं मोनिका जी. last topic from your some basic concepts in chemistry हो गया. क्या है mobile है क्या? क्या है क्या है? लाओ मुझे भी दो. हाँ सर रैपर है, रैपर खा रहे, इतने बुरे दिन आ गए. रैपर खाने लग गया. देखो इडियोमेट्री एक लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. अभी इडियोमेट्री क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो हम आपको समझाते हैं. लेकिन इडियोमेट्री सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शन बतानी चाहिए. बेसिक तो बेसिकली इडियोमेट्री हम लोग किस लिए यूज करते हैं. पहला इडियोमेट्री के यूजेस याद रखिए, फिर इसलिए हम इसको सीख रहे समझ में आए. यूजेस इडियोमेट्री का पहला यूज है, हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए इडियोमेट्री यूज करते हैं. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी टू फाइंड हम लोग बात करेंगे टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अननोन जो भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड. यानी सिंपल है, आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाए कंपाउंड, बोलेंगे बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है. तब वाटर को देख के बोल सकते हो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 है, बोल सकते हो क्योंकि तुमको मालूम है ना. लेकिन अगर आपको अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया और बोलो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो कुछ भी हो सकता है. मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन मीथेन इथीन पीथीन जो भी है ना, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग किसके मदद से डिटरमाइन करते हैं, इडियोमेट्री. दूसरा वी कैन डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अननोन गैसियस कंपाउंड. याद रखिए इडियोमेट्री के मदद से हम लोग किसी भी गैसियस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे आपको देखिए मैंने दिया एग्जांपल के तौर पे, हम लोग लेते हैं गैस हाइड्रोजन एंड गैस ऑक्सीजन, और ये पूरा आपको दिया है 5 ml. कितना दिया है 5 ml, यानी H2+O2 जो दो गैस है उसका आपको टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 5 ml. अभी आपको मालूम नहीं है कि हाइड्रोजन कितना ml है और ऑक्सीजन कितना ml है, हो सकता है 4:1 हो, 3:2 हो या 1:4 हो. यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम 5 ml है, लेकिन हाइड्रोजन कितना ml उसमें है और ऑक्सीजन कितना ml है, यानी हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है उनको मालूम है क्या? नहीं. इसलिए हम लोग इडियोमेट्री के मदद से इनका परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकते हैं. यानी अगर हम लोग इस गैसेस मिक्सचर को इडियोमेट्री के मदद से स्टडी करेंगे तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा हाइड्रोजन इतना ml है और ऑक्सीजन इतना ml है. यानी किसके लिए बोला आपका परसेंटेज कंपोजिशन, समझ में आ रहा है. तीसरा ये होता है वॉल्यूम चेंज. यहां पर हम लोग बोल सकते टू स्टडी वॉल्यूम चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. वॉल्यूम चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दे समझाते हो. इडियोमेट्री में जितना भी करना है हमको, जो भी करना है इडियोमेट्री में, वो सब करना है गैस के लिए. इसीलिए कभी कभार इसको बोलते हैं गैस एनालिसिस, यानी यहां पे हम लोग जो भी अध्ययन करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे, वो गैस को लेकर स्टडी करेंगे. एंड मैंने बोला टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जो का अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसके रूप में होना चाहिए, गैस के रूप में होना चाहिए. मैंने बोला टू डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अननोन गैसियस कंपाउंड, यानी आपको मिक्सचर दिया है तो उसका क्या करना है, परसेंटेज डिटरमाइन करना है ना, वो भी क्या होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए. या दूसरा टू स्टडी वॉल्यूम चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी यहां पे आपके रिएक्टेंट्स भी क्या होने चाहिए, गैसियस, और प्रोडक्ट्स भी क्या होने चाहिए, गैसियस. यानी जो भी होगा आप गैस को सीखते हैं इडियोमेट्री की मदद से. इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस एनालिसिस, यानी गैस का अध्ययन करना, समझ में आ रहा है. तो अब बोल सकते हैं अभी टू स्टडी वॉल्यूम चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, समझा रहा हूं. देखिए एक रिएक्शन लेते हैं सिंपल, H2
प्लस आई टू टू गिव एच आई, ये रिएक्शन है ना। तो ये आपका एच टू गैस है, आई टू गैस है, एच आई गैस है, समझ में आ रहा है। तो एच टू आई टू है, तो मैंने ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो सपोज मैंने एक लीटर लिया है, ये एक लीटर लिया है, एक एक लीटर रिएक्ट होकर आपका कुछ भी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपका कितना प्रोडक्ट बनेगा ये भी किसमें सीखेंगे, इडियोमेट्री में। आपका कितना एच टू रिएक्ट हुआ किसमें सीखेंगे, इडियोमेट्री में। कितना आई टू रिएक्ट हुआ किसमें सीखेंगे, इडियोमेट्री में। अल्टीमेटली एच टू का वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ, आई टू का वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ और एच आई का वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ, ये हम लोग सीखते हैं इडियोमेट्री। समझ में आ रहा है? तो इडियोमेट्री के बेसिकली यूज होते हैं डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, अनोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन, एंड लास्ट में जो स्टडी वो लोग आपका वॉल्यूम चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स आर गैसेस एज वेल एज प्रोडक्ट्स आर, वो लोग आपका गैसेस, ये तुमको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग इडियोमेट्री सीखते हैं। अब बेसिकली इडियोमेट्री को हम लोग इडियोमेट्री ही क्यों बोलते हैं, जितना भी हम लोग ये सीखते हैं ना उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में सीखते हैं। जितना भी हम लोग सीखते हैं उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के रूप में सीखते हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग इसके लिए जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसके लिए हम लोग एक ट्यूब यूज करते हैं, ट्यूब, और उस ट्यूब का नाम होता है इडियोमीटर। उस ट्यूब का नाम क्या होता है, इडियोमीटर। और इडियोमीटर में हम लोग ये चीजें करते हैं, इडियोमीटर के मदद से, उस ट्यूब के मदद से, ये ग्लास ट्यूब होती है मेरे दोस्त, ये होती है ग्लास ट्यूब है ना। तो इस ट्यूब की मदद से हम लोग इसको 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 कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं इन चीजों के लिए हम लोग इडियोमीटर ट्यूब के में करते हैं, इसीलिए इस पूरे टेक्निक का नाम क्या है, इडियोमेट्री। समझ में आ रहा है? इडियोमेट्री क्यों है, क्योंकि ये हम लोग इडियोमीटर में करते हैं। अभी इडियोमीटर का मतलब क्या होता है, अभी देखिए इडियोमीटर है ना, ये बेसिकली आपका ग्रीक वर्ड है। समझ में आ रहा है? उसमें इडियो जो वर्ड है, इडियो इसका मतलब होता है क्लीन, एसी का मतलब होता है क्लीन, या बोलो क्या आपका क्लियर, और मीटर का मतलब होता है मेजर करना। तो पुराने जमाने में इडियोमीटर नाम का एक ट्यूब, एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज है, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते थे। और एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा उतना आपका एटमॉस्फेयर क्लीन होगा ना, इसीलिए इस ट्यूब का नाम क्या बड़ा बोलो आपका इडियोमीटर, यानी ऑक्सीजन को मेजर करने वाला ट्यूब। समझ रहे हैं? इसको हम लोग क्लीनोमीटर बोल सकते हैं या क्लियरोमीटर बोल सकते हैं, इसका मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं बेसिकली ऊपर से बता रहा हूं। इसका नाम क्या पड़ गया, इडियोमीटर, जिसका हमको लेना देना है नहीं, अगर ये सही है तो भी सही है, गलत है तो भी सही है, मैंने कहीं से पढ़ा आपको बता रहा हूं। तो इडियोमीटर बेसिकली क्लीन या क्लियर मतलब होता है इडियो का, मीटर का मतलब मेजर होता है, और पुराने जमाने में ये ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए यूज करते थे, इसलिए इसका नाम इडियोमेट्रिक है। और इडियोमीटर में हम लोग ये जो टेक्निक, ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसीलिए इनको इस पूरे टेक्निक को नाम क्या है, इडियोमेट्रिक। समझ में आ रहा है? तो इडियोमीटर में होता क्या है, एक आपका ग्लास ट्यूब होता है ऐसा, एक ऐसा आपका ग्लास ट्यूब होता है, ये सील्ड एंड है, ये नॉन सील्ड एंड है, इसको हम लोग एक बीकर में उल्टा करते हैं, यानी क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। देखो पहले इसमें पूरा मरकुरी ले लेना है, मरकुरी से भर देना है, इससे भर देना है मरकुरी से, देखो मैंने मरकुरी से भर दिया, ठीक है, थोड़ा मैं ट्यूब को निकाल लेता हूं, ये ट्यूब निकाल दिया, अब ये जो ट्यूब है मैंने यहां पर रख दिया, देखो ट्यूब है, इडियोमीटर ट्यूब है बेसिकली आपका, ठीक है ना, इडियोमीटर ट्यूब, और इसमें आपका प्लैटिनम वायर भी फिक्स होता है, बताऊंगा कैसे, दिखाने पाएंगे। इसमें भी पहले मैंने मरकरी भर रहा है, पूरा मरकरी भर दिया, और यहाँ पे पुल में भी क्या आपका मरकरी, ये ट्यूब को ऐसे लगाना है, ये ऊपर से एक ढक्कन होता है, ऐसे लगाना, ढक्कन कॉक जो भी हो लगा देना, ठीक है ना, और इसको ऐसे लेना है और इसको यहां से निकलना है, इसको उल्टा कर देना है, उल्टा कर दिया तो अल्टीमेटली ऐसे होगा, और इसमें भी क्या रहेगा, रहेगा थोड़ा बहुत मरकुरी नीचे सरकेगा, इतना खाली स्पेस रहेगा, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत मरकुरी रहेगा, बात समझ में आ रही है तुमको। इसके बाद हमने यहां पे भी एक ट्यूब ले ली है, यहां पे भी ट्यूब ले ली, अच्छी सी ट्यूब लेनी है, अरे ट्यूब अच्छी सी होनी चाहिए, यह हवा में नहीं है, यहां रखना नीचे सपोर्ट है, समझेंगे सर हवा में, बच्चे बोलेंगे सर ये तो ऐसा हवा में कैसे तैर रहा है, यहाँ पे कॉक है,
जो भी है ये ढक्कन इसमें से निकल लेना और इसमें से एक छोटी सी ट्यूब है, छोटी सी ग्लास ट्यूब है। ठीक है, और ये ग्लास ट्यूब ऐसे जा रही है। चिंता ना करें, बना रहे चित्रकला बना रहे। ठीक है, ये ट्यूब बना। ठीक है, तो देखिए ये ट्यूब ये सेटअप है, तो ये भी एक ग्लास ट्यूब है। और इसके अंदर हमने एक प्लैटिनम वायर डाला हुआ है। कौन सा वायर है बोला आपका? प्लैटिनम वायर। देखो ध्यान से, ये आपका प्लैटिनम का वायर है। देखिए कुछ कुछ इडियोमीटर में यहीं पे प्लैटिनम वायर होता है, लेकिन हम लोग देखिए इडियोमीटर कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार देख रहे हैं। अल्टीमेटली इसका रीजन नहीं, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, तुमको समझ में आना चाहिए। इसमें हम लोग अपना अननोन कंपाउंड डालते हैं, मैंने अननोन कंपाउंड डाल दिया। समझ में आ रहा है? सपोज मेरा अननोन कंपाउंड है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मैंने H2 और O2 डाल दिया, ताकि में देखिए H2 और O2 बनने के डालने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस भी है ऑक्सीजन भी गैस भी है, और अगर रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन होती मेरे दोस्त, तो अल्टीमेटली पानी हमेशा बरसते रहता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? H2 और O2 कुछ नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहां पे प्लैटिनम वायर, देखिए यहां पे प्लैटिनम वायर है, प्लैटिनम कैन एक्ट एज कैटलिस्ट ना। और देखिए हमने प्लैटिनम वायर को लगाया है बैटरी से, ये बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से समझ लीजिए, अभी कहीं तो भी बैटरी से कनेक्टेड है। अब बैटरी से कर ले, यहां पे हम लोग स्पार्क तैयार करेंगे, स्पार्क यानी थिंगी, स्पार्क 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 चिंगारी। हां वैसे ही यहां चिंगारी करेंगे तो H2O2 रिएक्ट होंगे और आपका क्या बनेगा? H2O और H2O के क्या बनेंगे? वेपर्स, और H2O के वेपर्स यहां पे लिक्विड इसमें से जाएंगे। और यहां पे H2O के ऊपर जाएंगे, तो सपोज पहले ना आपका मर्क्यूरी फुल ऐसे पूरा फुल भरा हुआ था, समझ में आ रहा है? तो अभी आपने क्या करना है, H2 का कितना वॉल्यूम लिया है आपको पता होना चाहिए। सपोज मैंने H2 लिया 1 लीटर, तुमको मालूम है H2 1 लीटर है, समझ में आ रहा है? या 1 लीटर से अच्छा मैं बोलूंगा मेरे पास है 10 ml, चलेगा? और मैंने O2 भी लिया 10 ml, ये तुमको मेजर करके डालना पड़ेगा। ठीक है, डाल यानी आपको इनका वॉल्यूम मालूम है। H2 बना आया, अभी H2O आएगा तो अल्टीमेटली H2O को भी जगह चाहिए ना, तो H2O क्या करेगा, ऐसे ऊपर सरकेगा, तो ऊपर सरकेगा तो ये मर्कुरी का लेवल अपने आप नीचे जाएगा, यानी देखिए आप अब नीचे जाएगा ऐसे, और ये अपना बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली जितना आपका H2O बनाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, तो यहां पे आपके स्केल्स होते हैं, ऐसे होता है 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, ऐसे 1 to 100 ml। तो सपोज आपका 5 ml बना, तो यहाँ पे कितना स्पेस खाली हो जाएगा? 5 ml। समझ में आ रहा है? इस प्रकार आपको समझ में आ जाएगा H2O कितना बना। समझ में आ रहा है? H2 आपने इतना लिया था, O2 इतने लिया, दोनों का रिएक्शन किया और आपको समझ में आ गया H2O कितना बना। बात में समझ में आ रहा है? इस प्रकार आप इडियोमेट्री की मदद से अलग अलग गैस को एनालाइज करते हैं। सपोज आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कल ही सिखाया था, सपोज मीथेन लेते हैं, reacts with O2 to form बोलो क्या आपका CO2 and H2O। समझ में आ रहा है? तो इसमें मीथेन डालना है, ऑक्सीजन डालना है, अगर आपने आप रिएक्शन होगी चिंता नहीं है, क्या निकलेगा? CO2, और निकलेगा क्या बोला आपका? H2O। CO2 और H2O वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो ये मर्क्यूरी का लेवल नीचे गिर जाएगा, क्योंकि CO2 और H2O उसको धकेलेंगे नीचे, वैसे ऊपर जाएंगे और उसको पुश करेंगे, क्योंकि उनको वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, तो ऑक्यूपाई किया CO2 और H2O एक में, फिर उसको ठंडा होने देंगे, ठंडा 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 रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा आपका H2O लिक्विड में कंडेंस हो जाएगा, तो लिक्विड में बोलिए H2O भी किधर आ जाएगा, इधर ना ऊपर, सिर्फ वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगा और सिर्फ कौन ऑक्यूपाई करेगा? CO2 ऑक्यूपाई करेगा। इस प्रकार है, आपने कितना मीथेन लिया आपको मालूम होना चाहिए, कितना ऑक्सीजन लिया आपको मालूम होना चाहिए, और उससे आपका कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना आपको पता हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? H2O तो चला गया ना बीकर में, फिर से इस प्रकार है आप इडियोमेट्रिक की मदद से किसी भी रिएक्शन को स्टडी करते हैं। अगर मीथेन और O2 अपने आप रिएक्ट नहीं हो रहे तो यहां पे लगाना पड़ेगा चिंगारी, बूम।
बैटरी कौन करो इधर क्या आएगा स्पार्क मीथेन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे। इस प्रकार आप इडियोमेट्री की मदद से किसी भी गैसेस रिएक्शन को यानी गैसेस रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं और कितना आपका प्रोडक्ट बना वो काउंट करते हैं। क्योंकि मर्कुरी नीचे जा रहा है ना, जितना मर्कुरी नीचे जाएगा उतना तुमको समझ में आएगा हाँ भाई इतना बना था। समझ में आ रहा है? ऊपर से ना कभी कभार सेटअप ऐसा भी होता है, यानी देखिए यहां से कभी कभार सेटअप ऐसा भी होता है, कभी कभार सेटअप ऐसा होता है। याद रखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है अलग जगह पे इडियोमीटर कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो हमने बेसिकली एक ऐसा इडियोमीटर लिया है जो अपने को समझने में आसान हो, है ना। तो बोलेंगे सर ये तो हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, ये तो उस बुक में नहीं दिया, इंटरनेट पे जाओ गूगल सर्च करो कहीं ना तुमको एक्सपेरिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कौन सा भी फिल्म हो। तो कभी कभार क्या होता है ऐसा, बात समझिए, कभी कभार ऐसा भी होता है। अभी गैस तो नहीं जा रहा इसलिए सिटी बाजार की कोई फायदा है नहीं, और यहां पे आपका रहता है KOH। ये किसका सॉल्यूशन है बोला आपका KOH बेस मालूम है ना, ये आपका KOH सॉल्यूशन। क्या बोला आपका KOH, और ये किसका भैया बोला आपका मर्कुरी। बात समझे? अभी देखिए यहां पे होगा क्या, होगा क्या, देखिए यहां से ऐसा बात समझे, एकदम परफेक्ट बात बता रहा है। होता क्या देखो, सपोज आपने मीथेन ऑक्सीजन लिया और आपने आप रिएक्शन नहीं हुई, कंसंट्रेशन की बात है, अभी देखो टेम्पो बहुत स्लो है, मैं जोक भी नहीं कर रहा हूं, तो सुना नहीं है। मीथेन ऑक्सीजन लिया आपने, काड़ी लगा दी, रिएक्शन हुई, आपका क्या बनेगा CO2 एंड H2O। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट हुआ और CO2 और H2O पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। चलो इस वजह से ये बंद है, समझ में यहां पे बंद है, बंद है। उसके बाद देखिए आपने रूम टेम्परेचर को यहाँ पे ठंडा होने दिया, ट्यूब को H2O कंडेंस होकर नीचे चला गया, सिर्फ कौन मतलब बोला आपका CO2, तुमने ये पाइप जोड़ दिया। अभी ये सब मैकेनाइज होता है, मशीन से होता है, समझ ले जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखिए यहां से यहाँ पे कौन बचा, सिर्फ बोला आपका CO2, तो CO2 ऐसे जाएगा इधर, बात समझिए CO2 ऐसे क्या, देखो CO2 इधर जाएगा, इधर जाएगा, जैसे वो KOH में पहुंचेगा CO2 आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी CO2 से आगे निकलने वाला है क्या नहीं, समझ में आ रहा है? CO2 आपका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपने सपोज KOH का वजन मोच के रखा है पहले, KOH का वजन सपोज आपका 15 है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आपका CO2 एब्जॉर्ब हो गया, उसका वजन बच जाएगा ना, बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा बोलो आपका, सपोज 20, 5 से बढ़ा, यानी कितना हो गया 20 है, तो पहले 15 ml था, अभी कितने से बढ़े वजन बढ़ा, उससे आप कितना CO2 बना निकाल सकते हो ना, समझ में आ रहा है 5 ml से। इस प्रकार आपका कितना CO2 बना आप निकाल सकते हो, बात समझ में आ रही है? कभी कभार देखिए आपने हाइड्रोकार्बन लिया, अभी आपको यहाँ पे मीथेन है, तो आप स्टाइकोमेट्री से पता कर सकते हैं इतने ग्राम के लिए इतना ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए, 14 ग्राम के लिए, 16 ग्राम के लिए कितना चाहिए बैलेंस रिएक्शन को, तो 16 ग्राम के लिए कितना चाहिए बोलो आपका 64 ना, 64 ग्राम ऑप्शन स्टाइकोमेट्री दिख रही ना, 16 ग्राम के लिए O2 एक ने O2 32 ने 32 34 दो एक ने, तो 16 ग्राम के लिए ये 64। तुमको मालूम है मीथेन है, अगर आपने 16 ग्राम लिया है यहां पे तो कितना ग्राम ऑप्शन पास करना पड़ेगा 64, ताकि पूरा मीथेन खत्म हो जाए, और पूरा मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो वाटर इधर चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला जाएगा। लेकिन आपको कभी कभार हाइड्रोकार्बन कौन सा है मालूम नहीं, यानी कोई भी कार्बन है हाइड्रोजन ना, तो कोई भी है CH4, कौन सा हाइड्रोकार्बन तुमको मालूम है क्या नहीं, तो अभी कितना ऑक्सीजन पास करना है तुमको मालूम है क्या नहीं, अरे नहीं मालूम ना भाई, कौन सा है तुमको मालूम था क्या मालूम, तो कितना ऑक्सीजन पास करना है मालूम है क्या नहीं, फिर तुम क्या करते हो लगा है ऑक्सीजन, यानी 50-60 हाइड्रोक्सीजन भेज दो, समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा के पूरा हाइड्रोकार्बन क्या होना चाहिए, जलना चाहिए,
देखिए 16 ग्राम के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन आपको पास करना पड़ेगा तो पूरा आपका मीथेन जलेगा। अगर आपने 14 ग्राम पास किया है तो पूरा मीथेन जलेगा क्या? नहीं, तो मीथेन यहां पे बचेगा ना, आप पूरा कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाओगे। यानी पूरा का आपका हाइड्रोकार्बन का काली लगनी चाहिए वहां पे, पूरा उसका वाट लगना चाहिए, इसका मतलब पूरा तो पूरा देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपको मालूम नहीं इसका कितना है, तो आपको ऑक्सीजन क्या करना पास करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सेस में। ऑक्सीजन इतना पास कर दो कि पूरा ये खेल खत्म हो जाए। अल्टीमेटली हमारा जो पूरा हेतु है वो किसको पूरा खत्म करना है? हाइड्रोकार्बन। तो ऑक्सीजन आपने एक्सेस में लिया, तो देखिए मीथेन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बोला आपका एक्सेस में, ठीक है। अभी बोलेंगे सर यहाँ पे कहा है, मैं क्यों बताया, यहाँ पे भी ऐसे कनेक्टर्स होते हैं, ये मीथेन का कनेक्टर और ये किसका कनेक्टर बोला आपका ऑक्सीजन का। समझ में आ रहा है? इतनी सारी चीजें नहीं दिखा पाएंगे, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मीथेन ले लिया अपना हाइड्रोकार्बन अभी, और आपने क्या ले लिया बोला आपका ऑक्सीजन एक्सेस में, बहुत सारा ऑक्सीजन, पूरा मीथेन खत्म, पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म, उसका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ में आ रहा है? अभी ऑक्सीजन एक्सेस में लिया ना, तो ऑक्सीजन थोड़ा रिएक्ट होगा, बाकी बच जाएगा ना, क्योंकि जितना जलाने के लिए चाहिए उतना वही खत्म हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अभी किस किस का मिक्सचर बचेगा? CO2 ऑक्सीजन एंड बोलो क्या आपका वाटर। देखिए ऑक्सीजन एक्सेस में लिया था, इसको पूरा जला दिया, इसको पूरा जलाने के बाद क्या बना आपका बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बना? वाटर। और जो बचा हुआ ऑक्सीजन के नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बचा हुआ, बचा हुआ, समझ में आया? बचा हुआ। अल्टीमेटली यहाँ पे से अभी कौन कौन निकलेगा? CO2, H2 एंड O2। पहला पूरा वॉल्यूम कौन कौन आपके पास करेगा? CO2, H2 एंड O2 पूरा ना। कितना ऑक्यूपाई है उसे आप निकाल सकते हैं, आप बोल सकते हैं हाँ भैया मुझे क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 बचा हुआ, इजी गुड, इतना मिल जाएगा नहीं? अरे मिल जाएगा नहीं? उसके बाद आप तुम इसको करोगे ठंडा हो जाएगा, बोले कूल कूल चिल चिल, तो आपका H2O खत्म हो जाएगा ना, H2O खत्म हो जाएगा, H2O नीचे चला जाएगा, अल्टीमेटली वॉल्यूम किसका मिलेगा बोलो आपका? CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 बचा हुआ, O2 बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका वॉल्यूम ऑफ O2 बचा मिल गया, लेकिन एक्चुअली आपको कितना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बना? समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, तो यहां पे कौन खत्म हो जाएगा बोला आपका? CO2 खत्म हो जाएगा ना, और कौन बचेगा बोला आपका? O2। तो यहां पे O2 कितना कलेक्ट हुआ, लेकिन यहां पे और लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो ट्यूब, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे O2 कितना बचा वो तुमको समझ में आ जाएगा, और इसके वजह से आपको कितना CO2 बना वो समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कहीं पे जाना गूगल पे कहीं पे सर्च कर ला, मेरा चैलेंज है, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आपको इडियोमेट्री का इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मिल गया तो तुम जो बोलोगे वो। समझ में आ रहा है? चैलेंज कर रहे हैं ना, ध्यान से समझे, हमने मेहनत की होगी, इसका मतलब ऐसा थोड़ी टाइम पास कर रहे हैं, बात समझे। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे अब बच्चे बोलेंगे ऑफेंडेड, सर खुद को बहुत शाना समझ रहे हो, डिसलाइक कमेंटेड, खुद को शाना नहीं समझ रहे, बस चाहते हैं बच्चे ध्यान दें, उनको लगे कि इंपॉर्टेंट है, भले लाखों लोगों ने एक्सप्लेन किया हो लेकिन क्लास में तो लगेगा इंपॉर्टेंट है, बात समझ आ रही है? बात समझा? फिर से समझिए अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया CXHY हाइड्रोकार्बन, मैंने ऑक्सीजन लिया 1000 ml, कितना लिया? 1000, यानी 1 लीटर तो लिया, बाप रे कर रहे हो, 1000 ml, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ml में रीडिंग होती है, ये आपका इडियोमीटर है, अरे बाकी सबसे कर, ये क्या बोला आपका इडियोमीटर, ये वाला 1000 ml लिया, और आपका क्या बना बोला आपका CO2 एंड H2O। समझ में आ रही है? आपने इसमें हाइड्रोकार्बन डाला CXHY, क्योंकि तुमको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम है नहीं ना, आपने इसमें क्या डाला O2 1000 एक्सेस में काली लगा दी, आपका क्या बना CO2 H2O एंड बचा हुआ ऑक्सीजन निकल रहा है ना, देखो अभी यहां पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ, तो वॉल्यूम किसका रहेगा बोला आपका? वॉल्यूम ऑफ फॉर्मड CO2 वॉल्यूम ऑफ बोलोगे आपका वाटर वेपर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन,
बात समझ में आ रही है? फिर कूल कूल सेंटर H2 गायब, हां तो जो वॉल्यूम रहेगा सिर्फ किसका रहेगा बोलो आपका CO2 एंड अनरिएक्टेड O2। बात समझ में आ रही है? फिर से लगा दिया CO2 चला गया ना, CO2 तो चला गया, लेकिन देखिए तुमको पहले लिखा था, देखिए वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ बोलो क्या आपका अनरिएक्टेड O2, समझ में आ रहा है ना? पहले मिला था कि नहीं आपको, अभी इसमें से तुमने पास किया, यहां से CO2 खत्म, पर यहां पे सिर्फ कौन आया बोलो आपका O2, दैट इज अनरिएक्टेड ना। और सपोज आपको अनरिएक्टेड मिला 500, अनरिएक्टेड O2 कितना मिला बोलो आपका 500, तो अल्टीमेटली कितना रिएक्ट हो गया बोलो आपका 500, आप फाइंड कर सकते हो ना। और यहां पे देखिए अनरिएक्टेड O2 का वॉल्यूम मिल गया कि नहीं, आपका इसका वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बना वो भी फाइंड कर सकते हो। तुगलक की फार्मूला नहीं था, देखिए ध्यान से, वैसे बड़बड़ा रहे। अनरिएक्टेड O2 मिल गया, अनरिएक्टेड O2 से कितना O2 रिएक्ट हो तुमको पता चल गया, और यहां पे आपको ये भी मिला था वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ बोलो क्या आपका O2, समझ में आ रहा है? CO2 प्लस O2, तो यहां पे आप लगा सकते हो अनरिएक्टेड O2, तो आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2। इस प्रकार अब वॉल्यूम ऑफ CO2 भी निकाल सकते हैं कितना बना, वॉल्यूम ऑफ O2 भी निकाल सकते हैं कितना रिएक्ट हुआ। बात समझ में आ रही है? और ये सब कैलकुलेशन की मदद से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और ये किसका वर्किंग होता है बोलो इडियोमीटर। अभी आप हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट कर रहे हैं, किसको कंबस्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो आपका CO2 H2 बनेगा। लेकिन इडियोमीटर बहुत बड़ी चीज है, आपको हाइड्रोकार्बन को नहीं किसी शटर बटर को कंबस्ट करना है, जैसे आप ले लीजिए दूसरा शटर बटर कोई भी CXHYN2H2, ये अलग कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड ना, अलग अलग चीजें बनेंगी, तो अलग अलग चीजें बनेंगी तो उसके लिए अलग अलग सेटअप होता है, अलग अलग चीजें के लिए अलग अलग सेटअप। लेकिन याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन यूज करते हैं हम लोग बोलो KOH, इतना हमारे लिए जरूरी है। अगर दूसरा गैस बना उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अलग चीज रखेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ये होता है आपका इडियोमीटर का सेटअप। समझ में आया? समझ में आया? लिखो इसको, क्या लिखोगे? क्या सर्दी सर बिगने से होती है? नहीं नहीं, देखिए आपका जो कोल्ड होता है वो दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड दैट हैपेंस ओनली ड्यू टू